लाइव म्यूजिक भी होता है, की फ्रेंडली स्टाफ, बहुत ही अच्छे लोग, प्रॉपर फिटनेस एक्सरसाइज एरिया दैट यू गाइस कैन कम एंड एक्सरसाइज, इन द सेंस कि स्विमिंग करते करते ही ना आप डायरेक्ट जो है वो बैंकॉक को देख रहे होते हैं. इट्स अ लवली व्यू आउटसाइड एज वेल. ओके, सो बहुत से लोग मुझे ये पूछ रहे थे कि अपनी जहाँ पे ठहरी हुई हूँ बैंकॉक में उस जगह का बताऊँ. तो ये है वी होटल, VIE होटल इन बैंकॉक. बहुत ही खूबसूरत होटल है. अच्छा, मुझे बहुत पसंद है. हर बंदे का अपना एक टेस्ट होता है. कुछ लोगों को ट्रेडिशनल जगहें पसंद है, ये मॉडर्न है, मुझे बहुत पसंद है. सो आई मीन जो सबसे अच्छी मेरी चीज़ लगती है कि जैसे ही एंटर होती हो तो ऑर्किड्स, इन फूलों को ऑर्किड्स बुलाते हैं, दे वन ऑफ माई फेवरेट फ्लावर्स, एंड द एंट्रेंस इज़ ब्यूटिफुल. अब यहाँ पे भी, और बाय द वे, हर दूसरे तीसरे दिन ये इनका पूरा डिस्प्ले चेंज हो जाता है. फॉर मी, आपको पता है, ब्यूटिफुल एस्थेटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन एज यू आर एग्जिटिंग, मतलब यहाँ से हमने अभी एंटर हुए हैं, वहीं से ऑब्वियसली एग्जिट करते हैं, सो देयर इज अ होल कॉफी बार ओवर हियर व्हिच इज अमेजिंग. दे गॉट इतने मज़े मज़े की यहाँ पे कॉफीज भी मिलती हैं, स्नैकी थिंग्स भी मिलती हैं. अच्छा, देन दिस इज बेसिकली द पियानो बार, और ये भी बड़ा खूबसूरत है और दिखने में भी खूबसूरत है. लाइक अभी आप अगर इसका पूरा व्यू लेते हैं तो आप देखें कि इट इज़ एब्सोल्युटली गॉर्जियस. और यहाँ पे अक्सर जो है वो लाइव म्यूज़िक भी होता है, जैसे कि यहाँ पे यू नो यूजुअली सिंगर बैठी हुई होती है या बैठा हुआ होता है, और यहाँ पे पियानो लाइव बज रहा होता है ऑन द ग्रैंड पियानो, व्हिच इज़ रियल. आई मीन आई थिंक दीज आर द थिंग्स जिनसे बड़ा फ़र्क पड़ता है, और एक आपको एम्बियंस मिलता है, जो चीज़ें हमें पाकिस्तान में इंजॉय करने का मौका नहीं मिलता. टेक्निकली तो ये बाहर है, लेकिन बात यह है कि आप अगर नहीं ड्रिंक करते हैं, और वैसे भी नहीं करनी चाहिए, तो आप आएँ यहाँ पे, कॉफ़ी पिएँ आराम से, अपनी डिज़र्ट खाते हुए म्यूज़िक को सुने. दैट्स व्हाट फैसल एंड आई ऑलवेज डू, एंड वी रियली एंजॉय आवरसेल्व्स. अब मैं आपको मजीद आगे लेके जाती हूँ. ये तो हो गया जो मेन लॉबी का एरिया है. वो ज़्यादातर जो लॉबीज होती हैं होटल्स की, वो बड़ी को होम्योपैथिक सी होती हैं, बोरिंग सी होती हैं, और दे लुक मोर लाइक अ हॉस्पिटल देन एनीथिंग एल्स, मुझे फील आती है. यहाँ पे कौन सी एच है, अगर आपके कोई सवाल हैं, आपको टुक टुक बुक करनी है, कोई और चीज़ करनी है, तो वो भी हो जाती है. सामने रिसेप्शन पे हमेशा बहुत ही फ्रेंडली स्टाफ, बहुत ही अच्छे लोग, वंडरफुल वंडरफुल पीपल, वी ऑलवेज गॉट एन अमेजिंग सर्विस हियर. बल्कि यहाँ पे हम ठहरे क्यों, ये भी इसके पीछे भी एक कहानी है. चलते हैं हम लोग रूम 2105, यानी कि 21वें फ्लोर पे ठहरे हुए थे. बट वहाँ पे जाने से पहले आई वांट टू शो यू अ कपल ऑफ दी अमेनिटीज दैट दे हैव. तो आइए चलते हैं ऊपर, और सबसे पहले मैं आपको स्पा एंड फिटनेस एरिया में लेके जाती हूँ. अब स्पा एंड फिटनेस एरिया के बारे में आपको ये ज़रूर बताऊँगी कि यहाँ का जो स्पा है, जहाँ पे मतलब ये लोग मसाज वगैरह एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, ट्रीटमेंट्स वगैरह करते हैं, इट्स रियली रियली नाइस. लास्ट टाइम भी जब मैं आई थी तो मैंने यहाँ पे हॉट स्टोन मसाज करवाया था, एंड इट वाज रियली नाइस. तो आइए, आई टेक यू. एंड द फैक्ट इज के इस साइड पे वी सिग्नेचर, हाय हाउ आर यू डूइंग, एब्सोल्युटली लवली लवली स्टाफ ओवर हियर एंड वंडरफुल पीपल. ये फिटनेस एरिया है, इट्स ओके इफ आई जस्ट शो द फिटनेस एरिया इन माई वीडियो. ओके, सो यहाँ पे हम लोग अगर चलें तो मेरे जैसा बंदा जिसको मतलब दिन में एक दफ़ा एक्सरसाइज करनी ज़रूरी महसूस करती हूँ, उसके लिए ये फिटनेस एरिया भी बहुत अमेजिंग है. मतलब हॉल तो मैं अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनकी प्राइवेसी भी नहीं ख़राब करनी. सो यू नो देयर इज अ प्रॉपर फिटनेस एक्सरसाइज एरिया दैट यू गाइस कैन कम एंड एक्सरसाइज इन. और उसी के साथ साथ वो आए चले आपको पूल भी दिखाती हूँ. एक्चुअली द पूल इज़ लवली. अब 10वें फ्लोर पे है, आइए, सो लेट्स गो टू द स्विमिंग पूल. स्विमिंग पूल जो है वो एक बार बैंकॉक जैसे मुल्क के अंदर, मतलब बैंकॉक जैसे शहर के अंदर विदाउट सन ब्लॉक आना बहुत बड़ी बेवकूफी है, और सन ब्लॉक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सड़ के पापड़ हो जाएंगे. एक तो मेरे बाल हमेशा बर्बाद हो जाते हैं जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ, और उसके साथ साथ बाल भी पापड़ हो जाते हैं, स्किन भी खराब हो जाती है. बट खैर, स्विमिंग पूल इट्स वंडरफुल. और मतलब इसको हम अगर मतलब अगर जाते हैं तो आप एज से जो है वो दूसरे पास से भी देख सकते हैं. एंड देन यू नो दिस इज फैसल एंड माई स्पॉट टू चिल आउट एंड रिलैक्स इन. यहाँ पे आराम पे बैठ के हम लोग
कल हमने ब्रेकफास्ट यहाँ पे वो किया था, लंच किया था, क्वाइट नाइस, ब्यूटीफुल प्लेस। वो सिर्फ व्यू दिखाना चाह रही हूँ कि यहाँ से जो व्यू है। इन द सेंस कि स्विमिंग करते करते ही ना आप डायरेक्ट जो है वो बैंकॉक को देख रहे होते हैं। सो ये हो गया। अच्छा तो ये हो गया स्विमिंग पूल और वो मैंने आपको दिखा दिया फिटनेस सेंटर। नाउ आई वांट टू शो यू गाइस द स्पा का एरिया। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया जब मैं लास्ट टाइम आई। यू नो लोग हमेशा सोचते हैं कि बैंकॉक जैसी जगहों पे अगर आप आएंगे तो पता नहीं यू नो लाइक आपको अगर आप यहाँ पे ड्रिंक नहीं करते या उस तरह से पार्टी नहीं करते तो आप इन्जॉय नहीं कर सकते। एक्चुअली दैट्स वेरी वेरी इनकरेक्ट। जो लोग नहीं ड्रिंक करते और ये सारी चीज़ें नहीं करते वो एक्चुअली बहुत इन्जॉय करते हैं बैंकॉक, बिकॉज आप यूर इन अ न्यू स्पेस, इन अ न्यू एनवायरनमेंट। यहाँ पे बहुत सी जगहें हैं दैट यू कैन डिस्कवर एंड एन्जॉय एंड यू नो डू हल्ला गुल्ला। एंड बाय द वे हमजा भी आया हुआ है बैंकॉक हमारे साथ, ही ऑल्सो हैड अ लवली टाइम व्हेन ही वाज हियर। सो बैंकॉक इज क्वाइट अ लवली लवली प्लेस टू कम एंड विजिट। और ये है इनका स्पा, इट इज़ ए लवली स्पा एंड लाइक आई सेड फैसल एंड आई लव गेटिंग मसाजेस अवे, स्पेशली हॉट स्टोन। इनके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, बट क्योंकि मैं अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाती हूँ सो यू नो वो लेने की मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होती है। बट देयर इज़ अ वैरायटी एंड हाई हाउ यू डूइंग, देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन चूज फ्रॉम, डिफरेंट ऑयल्स, डिफरेंट थिंग्स लाइक दैट। एंड इफ़ यू लुक एट द स्पा ट्रीटमेंट्स, मतलब हर किस्म की ट्रीटमेंट है। सो यू नो इट डिपेंड्स, कपल्स मसाजेस भी हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं। वैसे आई लाइक टू डू इंडिपेंडेंट, इतनी भी फ्रेंकनेस नहीं थी लेकिन खैर। सो यू नो लाइक सिग्निकेचर पैकेजेस हैं, मसाज थेरेपी है। बाय द वे हनीमून के लिए बहुत ही अमेजिंग स्पॉट है ये। एंड यू नो बिफोर यू स्टार्ट द मसाज यू गेट टू सिट ओवर हियर। आपको ग्रीन टी मतलब टी स्पेशल दी जाती है, हर्बल टी। यहाँ पे आप रिलैक्स करते हैं, चिल करते हैं, उसके बाद फिर वो आपको अंदर लेके जाते हैं मसाज के बाद। यू कैन टेक अ शावर इफ़ यू वांट। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्पेस एंड ब्यूटीफुल पीपल आल्सो। थैंक यू। सो डेफिनेटली अगर बैंकॉक का चक्कर लगे तो वी होटल ज़रूर आएँ, मतलब आके चेकआउट कर लें, शायद आपके मिजाज का हो शायद ना हो। अब आपको मैं रेस्टोरेंट की स्पेस दिखाती हूँ जहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं हर रोज। यहाँ पे आई वांट टू थैंक माय कैमरामैन मिस्टर फैसल नकवी, जो बेचारे मतलब काफ़ी मैं उनको टॉर्चर करती हूँ। खैर दिस इज़ द रेस्टोरेंट वेयर वी हैव ब्रेकफास्ट एवरी डे एंड जनरली ऑल्सो यहाँ का खाना बहुत अच्छा है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, बट इट्स अ रियली रियली नाइस प्लेस, इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल। हम लोग यूजुअली जो है वी लाइक टू सिट बाय, यहाँ पे भी पियानो है, म्यूजिक सिस्टम मतलब यहाँ पे लाइव म्यूजिक भी होता है। सो इट्स क्वाइट अ लवली लवली ब्यूटीफुल स्पेस। एंड वही वाली चीज़ है ना कि एक एलिगेंट कम्फर्टेबल स्पेस में बंदा रहे जो साफ़ सुथरी हो, जिनकी कस्टमर सर्विस अच्छी हो, तो वहाँ पे फिर बंदा इस किस्म की हॉलीडेज़ को इन्जॉय भी करता है। क्योंकि फैसल और मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता टू ट्रैवल, और अगर हम जाते भी हैं तो 4 या 5 दिन से ज़्यादा हम दोनों काम से नहीं टेक ऑफ कर सकते। तो फिर ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे रिलैक्स कर सकें। द बेस्ट थिंग अबाउट कमिंग टू बैंकॉक, लाहौर से इट्स अ 4.5 आवर फ्लाइट, और वापस जाते हुए उससे भी शॉर्टर है फ़्लाइट। आई थिंक वापस जाते हुए 4 घंटे या 3.5 घंटे की है। सो इट रियली रियली वर्क्स आउट वेल। अब आई टेक यू गाइस अप टू द रूम। वैसे तो देयर इज लॉट्स ऑफ लिटिल नुक्स एंड स्पेसेस ओवर हियर, बट जनरली एक आइडिया देना चाह रही थी, बिकॉज एवरीबडी इज़ बिन आस्किंग मी के प्लीज़ आप कहाँ ठहरी हुई हैं, कैसी जगह है, ज़रूर बताइए। बट वही वाली बात है ना, लिटिल कॉर्नर्स, लिटिल नुक्स, फॉर एग्जाम्पल यू नो चिल ओवर हियर, यू कैन रिलैक्स, यू नो इवन आप जब वेट कर रहे होते हैं अपनी बारी का। सो इट्स आई मीन आई डोंट नो, हर बंदे का अपना एक मिजाज होता है, अपनी एक फील होती है। देन व्हाट आई रियली लाइक इज इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, लाइक इवन देयर कार्ड्स आर यू नो एंड आई गोइंग टू द 21st फ्लोर। ओके आए, अब मैं आपको रूम दिखा देती हूँ। सी रियली नाइस क्लीन लॉबीज, मतलब नाइस स्मेलिंग। आई नो के आई मीन दिस इज़ अ स्लाइटली एक्सपेंसिव होटल, बट नॉट वेरी वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि ओवरली एक्सप्रेसिंग जगह पे भी एक्सपेंसिव जगह पे रहने का क्या तुक। अब कमरे को प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, अब गंद तो आपको पता है मच ही जाता है। अभी तक हमने क्लीनिंग स्टाफ को बुलाया नहीं है सफाई के लिए, बट मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। सो दिस इज़ आवर रूम,
2105. You know, it's a lovely view outside as well. बाकी भी मैं आपको दिखा देती हूँ स्पेस के कैसी है कैसी नहीं है, बट इन जनरल वेरी नाइस प्लेस टू स्टे. एंड फैसल और मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, वी ऑलवेज इन्जॉय आवर सेल्व्स व्हेन वी कम हियर. सो आपको कैसी लगी ये वीडियो, डिड यू इन्जॉय वॉचिंग वेयर वी स्टे? एंड अपना ओपिनियन भी ज़रूर शेयर कीजिएगा. एंड मज़ीद जब मैं ट्रैवल किया करूँ तो क्या मैं और आपके लिए इस किस्म की वीडियोज़ बनाया करूँ, डू लेट मी नो. आई थिंक कपल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक दूसरे के साथ अकेले वक्त गुजारें. ऑब्वियसली बच्चे और फैमिली दे आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, लेकिन अपना ये जो एक कोर रिश्ता है उसके ऊपर फोकस करने के लिए कभी कभी दी शॉर्ट हॉलीडे. तो ज़रूरी नहीं है कि आप बैंकॉक, सिंगापुर, मतलब अमरीका, मतलब इन जगहें जाएँ. आप विद इन पाकिस्तान ऑल्सो ट्रिप्स प्लान कर सकते हैं. सो यू नो यू कैन गो टू नथिया गली, यू कैन गो टू हुंजा. बट मियाँ बीवी को आई थिंक थोड़ा अलोन टाइम ज़रूर मिलना चाहिए टू सॉर्ट ऑफ जस्ट रीकनेक्ट विद ईच अदर. एनीवे, इस नोट पे अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा. लॉट्स ऑफ लव.